रामबन में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के साथ जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल ने इस विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इससे पहले हाईकोर्ट जजेस ने डेप्यूटी कमिश्नर मुसरत इस्लाम के साथ मिलकर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की डेवलपमेंट के बारे में एक मीटिंग भी की। इस मौके पर जस्टिस मागरे ने कहा कि विधिक सेवा केंद्र को सफल बनाने में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। विधिक सेवा केंद्र का मकसद है वर्चुअल मोड से जस्टिस देना। किसी भी केस की जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक दूर है। एडवांस टेक्नोलॉजी में ये फायदा लिटिगेंट को देने के लिए आज रामबन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो ये ई सेवा केंद्र है, जो इसकी सहायता से जो लिटिगेंट यहाँ से कोई पेटिशन हाई कोर्ट भी जम्मू या श्रीनगर में करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट के, वो यहाँ के ये सहूलियत देगा, उसकी पेटिशन यहाँ फाइल होगी तो वहाँ पे रजिस्टर होगा, उसको जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके साथ ही उसको अपने डेट का स्टेटस भी मिलेगा कि किस डेट पे किस रोस्टर जज के सामने लग रहा है हाई कोर्ट में, नंबर वन। नंबर दो, इसका स्टेटस जो ही वो कोर्ट केस वहाँ पे हाई कोर्ट जज साहब अटेंड करेगा, इसका स्टेटस भी ये मालूम कर सकता है, इसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं। ये फायदा है, इसको ई फाइलिंग कहते हैं। और आज के डेट से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लिटिगेंट हाई कोर्ट में फाइलिंग के लिए कोई भी केस करना चाहता है वो यहाँ से कर। आज के लिए भी हमने देखा कि कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ये जो इतने डिफिकल्ट एरिया हिली डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरियाज है, किश्तवाड़ से हम गए थे, वहाँ से आए हम डोडा में, ब्राह्मण में, जम्मू में, कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मुश्किल है कि लिटिगेंट को अगर कोई मामला हो उसका तो वो कोर्ट तक पहुँचने में उसकी दुश्वारी होती है, तो वो NDI छोड़ देता है। तो हमने ये इसी मिशन का एक कारण है कि हम डोर स्टेप जस्टिस के लिए उनको वो सहूलियत अपने ही घरों में देते हैं। और वो कैसे देते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी का हूँ जम्मू कश्मीर, हमने PLVs को रखा है, हमने जो भी जिसको कोई सहूलियत चाहिए थी वहाँ से उसको लेके लीगल एड अपने पैनल लॉयर को जाते हैं, वो उनकी उनकी पेटिशन तैयार करते हैं, और उधर से लेके जो नेक्स्ट अवेलेबल कोर्ट होगा, मुईन कोर्ट होगा या नेक्स्ट कोर्ट होगा, वहाँ तक वो लेके जाते हैं उनको, और वो जस्टिस और इंसाफ देने में उनकी सहूलियत करते हैं। और वर्चुअल मोड में जितने भी सब्जेक्ट पे आपके मैटर्स थे वो कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सारे खुले थे।